हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे ना ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप कैटेगरी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। डीओई की तरफ से एक सर्कुलर आ गया है जिसमें सेकंड क्लास से लेकर जितनी भी ऊपर की क्लासेस हैं उसमें ना डीओई ईडब्ल्यूएस बच्चे का एडमिशन जो है वो करेगी, ठीक है। इसमें डॉब लोड्स निकलेगा जो बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे। इसमें प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चे को फ्री में पढ़ा सकते हैं। जो भी बच्चा अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अलावा जैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है या किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, अगर वो इसमें अप्लाई करना चाहता है और उसकी फैमिली इनकम जो यहाँ पर डीओ की तरफ से बताई गई अगर उस कैटेगरी के अंदर है, जैसे 1,00,000 रुपये पूरे साल की फैमिली इनकम, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इसकी जो डेट है ना, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आपको ऑनलाइन फॉर्म ही भरना होगा, ठीक है। और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको जो है जैसे पूरा अच्छे से देख लेना कि एक एक चीज़ आपने सही से भरी है। फिर आपको जो है ना वेट करना पड़ेगा 20 तारीख को, क्योंकि 20 तारीख को ड्रॉप लॉट्स निकलेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट क्या है। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट 3 सितंबर है और लास्ट डेट जो है वो 13 सितंबर है। अगर जो भी आपके पास है ना आसपास जो भी, तो उसको आप बता दीजिए ताकि वो फॉर्म भर सके और उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल सके, ठीक है। क्योंकि कई पेरेंट्स है ना, उनको फर्स्ट में केजी में नर्सरी में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, तो उनको अभी मौका मिला। और यहाँ पर एज के रिगार्डिंग बता रखा है कि अगर आप सेकेंड क्लास में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो बच्चे की जो एज है ना 31 मार्च को, 6 साल से ज़्यादा लेकिन 7 साल से कम होनी चाहिए। थर्ड क्लास में अप्लाई करना चाहते हैं तो 7 साल से ज़्यादा 31 मार्च को, ठीक है, और 8 साल से कम होनी चाहिए। बाकी सभी क्लासेस का आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को 9th में एडमिशन करवाना है तो 13 साल से ऊपर का होना चाहिए, ठीक है, और 14 साल से कम उम्र का होना चाहिए। 31 बाद 2024 के हिसाब से देखा जाएगा, आज के हिसाब से नहीं देखा जाएगा। एक बात और आपको मैं अच्छे से बता दूं कि जैसे ये जो एडमिशन हो रहा है ना, ये हो रहे हैं 2024-25 के लिए। जैसे अगर किसी का बच्चा इस समय किसी भी स्कूल में सेकेंड क्लास में पढ़ रहा है तो उसे सेकेंड क्लास के लिए अप्लाई करना है। वो ये नहीं सोचेगा कि उसे थर्ड क्लास के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि 24-25 का। अब आपके मन में आएगा सर कि अब तो 6 महीने रह गए इस क्लास को, तो देखिए आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। मान लो ये सारा प्रोसीजर नवंबर तक पूरा होता है, ठीक है, और नवंबर तक पूरा होता है तो नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च वो सेकंड क्लास में रहेगा। उसके बाद अगले साल ना उसको थर्ड क्लास में जो है ना उसी स्कूल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मतलब इस साल से दिक्कत आएगी क्योंकि एकदम उसकी पढ़ाई वगैरह चेंज होगी, लेकिन उसके बाद से उसी स्कूल में कंटिन्यूसली पढ़ता है। क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर हमारा बच्चा 6 महीने से पढ़ रहा है, 5 महीने से पढ़ रहा है, तो क्या हमें अगली क्लास के लिए अप्लाई करना है या इसी क्लास के लिए। ये 2024-25 के हैं। जैसे अगर ये फॉर्म पूरा फिल करवा लिया जाएगा ना, उसके बाद भी अगर जैसे दोबारा लिस्ट निकलेगी तो भी उनको 24-25 के लिए अप्लाई करना होगा, भले वो उस स्कूल में 1 महीने के लिए पढ़े, फिर उन्हें अगली क्लास में भेज दिया जाएगा। मैं बात कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। देखिए, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या सेल्फ डिक्लेरेशन जैसे कुछ जो भी होता है आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है, और या किसी भी नर्सिंग होम या कोई भी हॉस्पिटल से जो भी आपको सर्टिफिकेट मिला है वो। अगर हम बात करें इनकम सर्टिफिकेट की, तो इनकम सर्टिफिकेट एनुअल इनकम का जो इस साल का होना चाहिए और 1 लाख से ज़्यादा उसमें इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर आपने 2 तरीके से फॉर्म भरा, जैसे अलग अलग तरीके से राशन कार्ड या किसी और तरीके से, तो आपका जो एडमिशन है अगर दोनों में आ जाता है, ठीक है, या जो अगर उन्हें लगता है कि भले एक में आया लेकिन उन्हें 2 बार अप्लाई किया, तो उसके एडमिशन को जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। और वैलिड रेजिडेंस प्रूफ चाहिए कि आप दिल्ली के ही हैं, ठीक है, ये आपको प्रूफ लगाना पड़ेगा। और अगर किसी प्रकार का एड्रेस मिसमैच कर जाता है तो भी आपके बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट बातें बता रखी है, आपको ध्यान रखना है कि किसी प्रकार की कोई गलत इन्फॉर्मेशन मत फिल करना, सही से भरना, सोच समझ के भरना, अच्छे से भरना। और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो भी बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे अगर वो 4 अक्टूबर से पहले पहले 1 बजे तक अप्लाई नहीं करते, मतलब सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर सबमिट नहीं करते जिस स्कूल में उन्हें अलॉट किया गया, तो उनका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। और एक बात और है कि अगर जिस स्कूल में आपने अप्लाई किया है और उस स्कूल में अगर नंबर आ जाता है, आप होगी मुझे स्कूल चेंज करवाना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मेन जानकारी मैंने आपको दे दी है, ठीक है, बाकी और जो भी आपके डाउट होंगे मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ डीओ की तरफ से इशू किया गया है, आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।